हेलो बच्चों, कैसा आप सब? ठीक हो ना? तो आज हमारा वीडियो कंटिन्यू करेंगे। अब आज हम लोग नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, जेडब्ल्यू मेन एमएसटी सीईटी चैप्टर 1 और वॉल्यूम 1 बेसिक अलजेब्रा। ओके, अब बता दूं आपको, सबसे पहले ये जो चैप्टर है, जरा आप जैसे नाम से मालूम पड़ता है, बेसिक अलजेब्रा। बेसिक अलजेब्रा मतलब क्या होता है? कुछ बेसिक चीज़ें रहेंगी मैथ्स की इसमें, जो आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा। जैसे कि जो आपने 11, 12 के एकेडमिक ईयर में ऐसा कुछ क्वेश्चन शायद ही पढ़ा होगा, ऐसे क्वेश्चन तो रहेंगे लेकिन इजी रहेंगे। ओके, बेसिक आपने जो 9, 10, 5, 6, 7 से पढ़ते आ रहे हो, 11, 12 में, सबका मिक्स करके एक क्वेश्चन लिया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का होल स्क्वायर, अगर दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल है और पी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ओके, देन वैल्यू बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। अब ये क्वेश्चन ना तो आप 11 ने पढ़ा है, ना तो 12 ने पढ़ा है, लेकिन पढ़ा है तभी तो दिया है, बिना पढ़े कैसे दिया रहेगा। तो सिंपल वाद, अपने को इसको सॉल्व करना और उसकी वैल्यू निकालना। तो सिंपल देखो, अपने को a प्लस बी होल क्यूब यहाँ लगाना है, a प्लस बी होल क्यूब, यहाँ पर a हमारा पी स्क्वायर है, b हमारा क्यू स्क्वायर है, होल क्यूब लगाना है, और यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर लगाना है। सिंपल देखो, a प्लस बी का होल क्यूब क्या है? a प्लस बी, a प्लस बी होल क्यूब क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। एक है ए क्यूब, ए क्यूब माने क्या होता है, मैं लिख के दिखाऊंगा साइड में आपको फॉर्मूला। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, आपने शायद फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², तो वो और ये एक ही मतलब है। ओके, ये अच्छे से लिख दिया जरा फॉर्मेट में मैंने। तो ए प्लस बी मतलब क्या? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए मतलब कौन? पी स्क्वायर क्यूब प्लस, देखो बी क्यूब, बी की जगह पे कौन है? क्यू स्क्वायर, तो बी मतलब क्यू स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया? क्यूब। वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो यहां पर ए मतलब पी स्क्वायर है, बी मतलब क्या है? क्यू स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है? ए का क्यूब यानी किसका स्क्वायर? इसका पी स्क्वायर का क्यूब। बी का क्यूब, बी माने कौन? क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर का क्यूब प्लस 3ab, ab मतलब इन दोनों, इनटू ब्रैकेट में क्या? a प्लस बी में दोनों को सम कर देने का। सिंपल करना क्या है, हमारा a का वैल्यू p स्क्वायर है, b का वैल्यू q स्क्वायर, उस फॉर्म में डाल दो, इज इक्वल टू। ओके, अब आ जाओ यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगने वाला है। तो देखो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, तो फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर करने का? पी क्यूब का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर करने का? क्यू क्यूब का प्लस 2ab, 2ab मतलब 2, a का वैल्यू ये, b का वैल्यू ये। ओके, अब आप देख सकते हो ये टर्म कट गया, ये टर्म कट गया, क्योंकि ये सेम टर्म है, क्योंकि ये क्या है? सेम टर्म। ओके, अब ये सेम टर्म है इसलिए कट चुका है। ओके, बचा क्या? देखो तुम्हारे पास यहां क्या बचा, 3p, देखो ना, अभी स्क्वायर का क्यूब कितना होता है? p^6। यहां पर क्या है? क्यूब का स्क्वायर, यहां भी क्या हो जाएगा? p^6, कट गया दोनों तरफ। ओके, पावर ऊपर नीचे पर है सेम। नेक्स्ट यहां पर देखो, 3p² की स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है? p² प्लस क्यू स्क्वायर, इधर क्या बचा जरा बताओ? 2p³ क्यू क्यूब। अब एक काम करो, सिंपल देखो, ये p³ क्यू क्यूब यहां डिवाइड कर दो। ओके, ये p³ q³ इधर ला दो और 3 उधर लेके जाओ, तो इधर क्या आ जाएगा? देखो p² q² ब्रैकेट में p² प्लस q² नीचे आ जाएगा p³ q³, बराबर ये आ गया इधर, 2 एज इट इज वहां है, 3 भी वहां चला जाएगा, कट रहे देखो, 2p यहां 3p, 2 कट गया एक बचा, 2q यहां 3q, 2 कट गया एक बचा। ओके, यानी क्या बचा बताओ इधर पे? p² प्लस q² अपॉन क्या है? p³ बराबर 2/3, डिनोमिनेटर बांट दो तो क्या आएगा? देखो p² अपॉन p क्यू प्लस q² अपॉन p क्यू बराबर 2/3, क्या हो जाएगा? p कट q कट, तुम्हारा वैल्यू क्या बचा? p/q प्लस q/p बराबर 2/3। इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट समझ जाना चाहिए आपका आंसर 3/2 आने वाला, डायरेक्ट समझ जाने का आगे करने का ही नहीं, वो तो मैंने करके दिखाया आपको। देखो p/q प्लस q/p की वैल्यू कितनी है? 2/3, तो ऑप्शन कौन सा है आपका? बी वाला। ओके, इतना कॉपी कर लो फटाफट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओके अब ये समझने के पहले एक चीज आपको समझा देता हूँ, मैं क्वेश्चन लेटर के दिखाता हूँ फिर इसका असली में मतलब समझाता हूँ। क्वेश्चन बोला है इफ एक्स रेस टू 300 इज लेस देन 3 raised to 500 देन ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स इज, सुनो ये भाड़ में जाने दो, पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक्स लेस देन 5, अब मैं बोलूंगा एक्स की वैल्यू यहां पर क्या क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 ऐसे बहुत सारे वैल्यू आएंगे इन्फिनिटी तक ओके। पर मैं बोलूंगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब इंटीजर का मतलब क्या होता है, सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो, जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव सारे को हमको इंटीजर ही बोलते हैं। तो यहां पर एक्स लेस देन 5 मतलब एक्स की वैल्यू 5 से छोटी होगी, मतलब एक्स की वैल्यू आएगी 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 4, खत्म, यही चीज है। तो इसका हम ग्रेटर चेंज सिंपल से बता दिया ओके। वैसे ही यहां पर भी यही करना है, इसका बताना है लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट फॉर्म में दिया है, पहले इसको सॉल्व करना है थोड़ा इजी फॉर्म में, बहुत इजी सॉल्व करना सिंपल। मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, देखो मैं करके दिखाता हूं, इधर आपको दिया है एक्स रेस टू 300 लेस देन 3 raised to 500 ओके। इन दोनों में समानता क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन ये है कि इनका पावर हंड्रेड्स में है, ये भी 300 है ये 500 है, तो इसमें से मैं क्यों ना काम करता हूं रेस टू 100 लिख देता हूं, लॉ ऑफ इंडाइस 3 power 100 मल्टीप्लाई के 300 ही आएगा, आपको बताया पता होगा ना बचपन में पढ़ा होगा पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई के वही आने वाला है। सेम यहां पर ये क्या हो जाएगा 3 raised to कितना 5 raised to 100 ओके। अब आपने बहुत बार सॉल्व किया होगा ऐसे x square raised to 5 square कट जाता है, पावर सेम रहेगा तो कट जाता है, तो यहां पर देखो पावर सेम है दोनों का, ये दोनों कट गए, क्या बचा बताओ आपके पास x cube less than क्या बचा 3 raised to 5, ये तो सॉल्व हो सकता नहीं है इसलिए ऐसे ही रखेंगे, लेकिन ये सॉल्व हो जाएगा 3 raised to 5 कितना होता है 243, 3 raised to 5 होता है 243। अब मुझे बताओ ऐसा मैं कौन सा नंबर लू, x की जगह में 1 लू 2 लू 3 लू 4 लू क्या लू, जो ऑप्शन है वो लेके देखो, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, कि हमारा जो वैल्यू है वो क्यूब के बाद इससे लेस देन होना चाहिए। जैसे देखो मैंने 4 लिया, 4 का क्यूब करो जरा एक बार, 4 का क्यूब 4 for 16, 16 for 64, 64 less than 240 हाँ चलेगा 4 भी चलेगा, लेकिन चलेगा लेकिन अपने क्या बोला है ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट माने जैसे कि 4 भी चलता और 5 भी चलता, तो ग्रेटेस्ट कौन है उन दोनों में 5, तो 5 लेते हैं हम लोग, तो पहले 4 लिया, अब देखते 5 लेके देखते हैं, चलो 5 लेके देखते हैं, 5 डाला क्या हो जाएगा 5 क्यूब कितना हो जाएगा 125 लेस देन 24 हाँ 5 भी चलेगा ओके, 5 भी रेस में है ओके। अब आगे देखते हैं 6 लेके देखो एक बार, 6 लिया तो कितना होगा 6 का क्यूब कितना होगा 216 लेस देन 243 हाँ 216 243 से लेस देन है, 6 भी चलेगा लेकिन 7 नहीं चलेगा, 7 क्यों नहीं चलेगा 7 का क्यूब 243 से बड़ा हो जाएगा ओके। तो यहां पर तीन चीजें तीन वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, एक 4 भी है 5 भी है 6 भी है, लेकिन अपने को बोल रहा है इसमें से ग्रेटेस्ट वाला कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट वाला कौन सा है 6, तो अपना असल आंसर है 6 ये नहीं है अंडरस्टूड। और मान लो चारों ऑप्शन आते हैं 4 भी करता 5 भी करता 6 भी करता 7 भी करता, तो ग्रेटेस्ट कौन होता 7, और ग्रेटेस्ट के जगह मिनिमम बोला होता तो कौन सा लेते 4। अंडरस्टूड, कॉपी कर लो इतना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, ज्यादा कुछ करना है इसमें नहीं है, सिंपल बताता हूं आज का मतलब आप लोग को, 3 डिस्टिंक्ट नंबर, 3 अलग तरह के नंबर है जिनका नाम है ए बी सी ओके। यहां पर आपको दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 ABC, आप याद करो क्वेश्चन आपको था 11th की डिटरमिनेंट चैप्टर में, सिंपल आपको याद रखना है, कभी भी ऐसा टर्म आया तो याद रखना आपका वैल्यू होता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये रूल है याद रखना आप लोग, ये 11th में था आप लोग को ओके। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3 ABC दिया है, ये दिया है या फिर कभी कभी ये दिया रहता है, तब कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब एक ही है ना, बस प्लस वाला यहाँ लगे क्या कर दिया माइनस कर दिया और वहाँ 0 बच गए, ये दोनों में से कोई भी आया तो याद रखना कंपस लेवल में तुमको था ओके। ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा 0, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा बी ओके। इतना कॉपी कर लो, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं। तो लास्ट क्वेश्चन देख लो हमारा, जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ओके। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू निकालनी है,
जरा ध्यान दो, मैंने बताया था आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 3abc बताया था मैंने, अभी बताया था ना कुछ देर पहले। लेकिन आपके मन में डाउट आएगा, सर ये तो आपने तब लगाने बोला है जब आपको ये जीरो दिया रहेगा, ऐसे तो है ना भाई, दिया नहीं तो क्या हुआ है, देखो करके देखो, ए बी सी तीनों को प्लस करके देखो, चलो ये ए है ये बी है ये सी, तीनों को जरा प्लस करो, देखो जीरो आता है क्या, देखो देखो 3 raised to -2 ये प्लस वाला 3 raised to -2 और ये माइनस वाला, देखो कट गए, सेम साइन इज अपोजिट साइन सेम वैल्यू, ये -3 raised to -3 है ये +3 raised to -3 है, ये भी कट गए, मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, इतना करना चाहिए आपने, ये -3 raised to 4 है ये +3, देखो कट गया, अगर तीनों को तुम ऐड करोगे तो वैल्यू जीरो मिलेगा, मतलब वो लॉ आप लगा सकते हो। ओके तो मतलब अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब किसके वैल्यू के बराबर है, 3abc, तो अपने को सिर्फ ये सॉल्व करना अपना वैल्यू आ जाएगा, कैसे निकालना देखो, 3 × ए की वैल्यू क्या है, देखो ए ये है, एक काम करो जरा इजी करने में, मैं साइड में सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोग को, पहले ए दिखाता हूँ यहाँ पर जहाँ दिख रहा होगा, ए की वैल्यू क्या है देखो 3 raised to -2, अब 3 raised to -2 पता है आपको कितना होता है, 1/3 का स्क्वायर होता है माइनस, 3 raised to -3 क्या होता है, 1/3 का क्यूब होता है। ओके 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, सॉल्व करने आना चाहिए, यहाँ 3 यहाँ 3 तो कितना हो जाएगा, 2/27, इतना कर लो आप लोग, इतना बताने वाला नहीं है मैं, एलसीएम निकालने आना चाहिए। ओके सेम बी निकालोगे आप, तो बी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इतना डिटेल में जाऊँगा नहीं, देखो ये जाएगा अपॉन में क्यूब, तो अपॉन में क्यूब कितना होता है, 27 माइनस, ये जाएगा अपॉन में 3 raised to 4, तो 3 raised to 4 कितना होता है, 81, यहाँ पर भी कर लेंगे, क्या करेंगे, नीचे 3 यहाँ 3, डिनोमेटर दोनों क्या हो गया, 81, ये क्या है 3 1 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। ओके लास्ट यहां पर देखो सी की वैल्यू, ये जाएगा अपॉन में 3/4, यानी अपॉन में कितना हो जाएगा, 81, ये जाएगा अपॉन में 3² यानी क्या हो जाएगा, 9। कैसे करोगे, सिंपल, यहां भी 9 यहां भी 9, डिनोमेटर क्या हो गया, 81, ऊपर 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा, -8, और डाल दो इधर वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी देखो ऊपर में, 2/27 इंटू, बी की वैल्यू कितनी देखो नीचे, 2/81, सी की वैल्यू कितनी देखो, -8/81। ओके कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या, देखो सिंपल, देखो 3 1 3 कितने जा, 27 जा, पहले ऊपर को मल्टीप्लाई करो, ऊपर सिंपल आएगा माइनस, और कुछ कटने वाला नहीं है, 2 2 जा 4 4 8 जा 32, आगे करने की जरूरत नहीं, ये हमारा आंसर है, करो मत ना आगे, कौन बोलता करने, डायरेक्ट देखो हमारा आंसर माइनस में आएगा, 2 2 जा 4 4 8 जा 32 हो गया, फिर मैं करके देता हूँ नीचे, देखो अब 27 × 81 × 27 बहुत बड़ा हो जाएगा वैल्यू, और अपने को इतना बड़ा वैल्यू करके दिया नहीं सॉल्व ने, तो अपन क्या करते हैं सिंपल, ये कितना होता है 3 का क्यूब × 81 कितना होता है 3 raised to 4, 27 वापस कितना होता है 3 का क्यूब। अब आपको बताया हमने, आपने पढ़ा है बचपन में, कभी भी सेम चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो पावर उनके ऐड हो जाते हैं, ये भी 3 है ये भी 3 है ये भी 3 है, तो एक बार लिखेंगे और पावर उनका ऐड होगा अकॉर्डिंग लॉ ऑफ इंडाइस, 3 और 4 7 7 और कितना होता है 10, ये तुम्हारा वैल्यू है कौन सा, बी। ओके पर यहीं छोड़ दो, उतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, थैंक यू वेरी मच।